ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है जॉर्डन और इसराइल की लगती सीमा से, जहां पर 3 इसराइल नागरिकों की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद दोनों तरफ से स्थिति गंभीर बन चुकी है। खबर तो ये भी आई कि 3 निर्दोष इसराइलियों की हत्या होने के बाद जॉर्डन में जश्न तक मनाया गया। आपको पूरी खबर बताएंगे कि किसने जश्न मनाया, क्यों जश्न मनाया और इसराइल ने इस मामले में अब क्या एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। लेकिन पहले आपको हम पूरी खबर बता देते हैं। तो खबर यह है कि रविवार को ट्रक चलाते हुए एक शख्स वेस्ट बैंक और जॉर्डन से लगने वाली इसराइली बॉर्डर पर पहुंचा और LNB ब्रिज क्रॉसिंग के पास उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई जो इसराइली नागरिक बताए जा रहे हैं। हालांकि जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने गोली चलाने वाले शख्स पर जवाबी फायर शुरू कर दिया और उसे वहीं मार गिराया गया। इस घटना के बारे में यह पता चला है कि हमला करने वाला शख्स जॉर्डन की तरफ से यहां पर ट्रक लेकर पहुंचा था और बॉर्डर पर आते ही उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। बाद में इसराइल की फोर्स ने उसे मार गिराया। हालांकि हमला करने वाले शख्स की पहचान भी होने की बात कही गई है। बताया गया कि हमलावर जॉर्डन का ही एक रिटायर्ड सैनिक है जिसकी पहचान माहिर अल जाजी के रूप में होना बताया गया। जैसे ही हमले की खबर इसराइल और जॉर्डन तक पहुंची, दोनों ओर से प्रतिक्रिया सामने आनी शुरू हो गई। जॉर्डन में एक गुट ने इस हमले पर खुशी जताते हुए प्रदर्शन किया और जश्न तक मनाया। एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रदर्शन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से आयोजित किया गया था और करीब 90 मिनट तक ये प्रदर्शन चलता रहा। इस प्रदर्शन में हमास, जिसे फिलिस्तीनी आतंकी संगठन बताया जाता है, उसके समर्थन में नारे भी लगाए गए। इतना ही नहीं, यहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से हो रहे इस प्रदर्शन में हमलावर माहिर अल जाजी को एक हीरो की तरह पेश किया गया और यह तक कहा गया कि अकेले माहिर ने इसराइल में भूकंप ला दिया। और यह भी कहा गया कि हम आपको सलाम करते हैं। हालांकि आपको ये बताएं कि जॉर्डन वो देश है जो मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए लगातार प्रयास करने में लगा है और उसकी ये कोशिश है कि कैसे भी हमास और इसराइल के बीच शांति स्थापित कराई जा सके। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष विराम कराने की कोशिश करने वाले जो देश हैं उनमें एक देश जॉर्डन है। हालांकि इस घटना के बाद जिस ट्रक में सवार होकर ये हमलावर बॉर्डर पर पहुंचा था, अब उस ट्रक की भी जाँच की जानी है क्योंकि इस बात की आशंका बन गई है कि इस ट्रक में हो सकता है कि कुछ विस्फोटक हो। दूसरी तरफ जॉर्डन ने अपनी तरफ से किंग हुसैन ब्रिज, जो कि बॉर्डर वाला इलाका है, उसे बंद कर दिया है। यहाँ की समाचार एजेंसी की तरफ से ये खबर आई कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं जॉर्डन के गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि अम्मान में मौजूद अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच करने में जुटे हुए हैं। मसलन कि कैसे ये शख्स बॉर्डर तक पहुँच गया, जब वो यहाँ जा रहा था तो उसकी चेकिंग हुई थी क्या, अगर नहीं हुई थी तो क्यों नहीं हुई, और चेकिंग हुई तो फिर लापरवाही कहाँ बरती गई, क्या इसके पीछे कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है, कौन से वो लोग हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर इसराइल की करें तो वहाँ की मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी तट पर दोनों देशों की जो सीमा है उसके सभी ज़मीनी रास्तों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि ये हमला क्यों हुआ, इसके कारणों की जानकारी अभी नहीं लग पाई है। लेकिन इसके बाद भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस पूरे हमले के लिए ईरान की तरफ उंगली उठा दी गई है। उनका कहना है कि ईरान ऐसे चरमपंथी गुटों को हमेशा से समर्थन देता आया है जो गाजा और दक्षिणी लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमला करते हैं, यानी कि वो हमास और हिजबुल्ला की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, रविवार को इस घटना के बाद इजराइल में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह भी कहा गया कि हम हत्यारी विचारधारा से घिरे हैं और इसकी अगुवाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। वैसे इससे इतर इसराइल और जॉर्डन के संबंधों की अगर बात की जाए तो 1994 में दोनों देशों के बीच शांति स्थापित की गई थी और तब से दोनों देशों के ताल्लुकात अच्छे ही रहे हैं। लेकिन अगर इस हमले की बात करें तो जॉर्डन के मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया कि शूटर ने जॉर्डन से वेस्ट बैंक में कुछ सामान ले जाने वाले ट्रक का चालक बनकर पुल को पार किया और फिर इस घटना को उसने अंजाम दे दिया। हालांकि ये शुरुआती जानकारी ही है, जांच अभी आगे और होगी। लेकिन अब इस हमलावर के शव को लाने के मामले पर दोनों ही देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है।